फ्रेंड्स, करंट टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजुकी एक्स बी के बारे में, जो कि टोक्यो में लॉन्च कर दी गई है। टोक्यो के मोटर शो में डिस्प्ले किया गया, सॉरी लॉन्च नहीं किया गया वहां पर। हो सकता है कि इंडिया में 2018 के होने वाले ऑटो एक्सपो में इसे शोकेस किया जाए। दोस्तों, अभी कंफर्म नहीं किया गया गाड़ी नेक्सा की तरफ से लॉन्च होगी या फिर मारुति सुजुकी की तरफ से लॉन्च होगी। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी है, मैं आपके साथ वहीं शेयर करूँगा। इंजन है 1 लीटर के सीरीज इंजन दिया गया है, जो सेम आपको K10 और वैगनर सेलेरियो में देखने को मिलता है। 1000 cc इंजन वहीं XB में दिया गया है। गाड़ी के लुक जो काफ़ी सिमिलर है वैगनर के साथ, साइज में जो वैगनर से ज़्यादा बड़ी है, हाइट में भी बड़ी है, इसी वजह से गाड़ी के अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं है। गाड़ी की फर्स्ट रो और सेकंड रो पर अच्छी खासी स्पेस है, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी हाइट लंबी है तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि गाड़ी का हेडरूम काफ़ी अच्छा दिया गया है। अगर एक्सटीरियर लुक की बात करें तो ड्यूल टोन क्लैडिंग, ड्यूल टोन बम्पर और ड्यूल टोन ओआरबीम और साथ में रूफ का अलग जो पूरा एक्सटीरियर है, मतलब कह सकते हैं कि ड्यूल टोन किया गया है। गाड़ी के अंदर 13 इंच के जो अलॉय व्हील लगाए गए हैं। इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिससे गाड़ी का इंटीरियर और भी इम्प्रेसिव लगता है। और साथ ही दोस्तों, डैशबोर्ड और कैबिन में KUV के जैसे काफ़ी हिडन ग्लो बॉक्स दिए गए हैं, मतलब टोटली गाड़ी के अंदर स्पेस की कोई भी कमी नहीं रहेगी। लुक के ये काफ़ी सिमिलर है वैगनर से, वैगनर से इंस्पायर करके इसे बनाया गया है। प्राइस का अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, इंडिया में लॉन्च होते कितना प्राइस होगा इस गाड़ी का, तो जब प्राइस आएगा तो मैं एक नई वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों,